हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबल इंटरनेशनल बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि पूछा जा सकता है यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2020 में। ब्लू में आप जो देख रहे हो एसे क्वेश्चंस, ये मैंने अपने 2019 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में पूछा था जो कि यूपीएससी अपने एग्जाम में नहीं पूछा, और ये सारे क्वेश्चंस अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में इम्पॉर्टेंट है और इसके चांसेस हैं कि इस बार ये पूछे जा सकते हैं 2020 के एग्ज़ाम में। ये जो ब्लू वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स आपको मेरी सीएपीएफ पेपर 2 की बुक में मिलेंगे जो कि मैं जल्द ही रिलीज़ करने वाली हूँ। बाकी जो ऐसे के क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 9, 10, इसके आंसर्स आपको 20AC01 टू 20AC05 के आंसर बुकलेट में मिलेंगे, और इसकी लिंक मैं कल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। ये लिंक इस तरह से होगा, 20AC01 टू 20AC05 आंसर बुकलेट, ₹820 इसकी फीस है, यानी 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स के आपको इसमें आंसर्स मिलेंगे। ओके, पहला है इंडिया हैज रीजंस टू बी अलार्म बाय पाक चाइना अलायंस। तो ये इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए भी है क्योंकि अभी भी पाकिस्तान और चाइना के बीच में अलायंस है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी भी बन रहा है। नेक्स्ट है द यूएस चाइना राइवलरी इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट। लास्ट ईयर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया था क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, तो ट्रेड वॉर अभी भी चल रहा है, तो इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए इसमें, उस पर आपको बात करनी है। नेक्स्ट है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया टूवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया था रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से। अभी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम अभी भी है, जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट आई है उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे, बांग्लादेश से रिलेट करके क्वेश्चन न हो सके, बांग्लादेश से रिलेट करके हो सकता है क्वेश्चन न पूछे। नेक्स्ट है इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी विल हाइटन रीजनल कंपटीशन। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया था लास्ट ईयर क्योंकि चाबहार पोर्ट जो ईरान में है वो ऑपरेशनलाइज होने वाला था इसी की वजह से, मगर अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया का रिलेशनशिप वेस्ट एशिया से क्योंकि पर्शियन गल्फ वॉर जोन में बदलने वाला था। नेक्स्ट है इंडियन डायस्पोरा इज इंडियाज एसेट इन डिसगाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था, अभी भी इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक है मगर जनरल टॉपिक पे भी ऐसे पूछे जाते हैं। ओके, अब ये 6 से लेकर 10 तक जो आप ऐसे क्वेश्चन देख रहे हो, ये इस बार मैंने फर्स्ट 5 टेस्ट पेपर्स में पूछे हैं। इंडो जापान रिलेशंस एवोल्यूशन एंड चैलेंजेस, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, इंडिया जापान, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जापान पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाइना को काउंटर एक्ट करने के लिए इंडिया को जापान की तरफ जाना पड़ेगा, रशिया और चाइना के बीच में भी अलायंस फॉर्म हो रहा है, तो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग अलायंस की ज़रूरत है एशिया में, और जापान अच्छा चॉइस है, इसीलिए मैंने ये इंडो जापान रिलेशन पूछा है। अब इसमें क्वेश्चन आप देखो कैसे फ्रेम हुआ है, एवोल्यूशन एंड चैलेंजेस, यानी आपको सबसे पहले इसमें ये बात करनी है कि इंडिया और जापान का रिलेशन कैसे इवॉल्व हुआ राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, और फिर इस रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस है उसके बारे में बात करनी है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अ ग्लोबल थ्रेट मैनेजमेंट। ग्लोबल थ्रेट यानी आपको ऐसी थ्रेट के बारे में बात करनी है जो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेटनिंग है, टेररिज्म है, एंडेमिक डिजीज जैसे कि कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सारे ग्लोबल थ्रेट है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इसमें कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कहने का मतलब है सारे वर्ल्ड नेशंस एक साथ मिलकर विथ कोऑपरेशन इस थ्रेट का सामना करें और थ्रेट को मिटिगेट करने की कोशिश करें, इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करें, काउंटर एक्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन पर्शियन गल्फ चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। तो पर्शियन गल्फ आपको पता ही है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये ऐसे फ्रेम किया है, मगर इस ऐसे में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया कैसे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ऑयल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं,
नेक्स्ट है सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडियन ओशन रीजन इंडियाज कंसर्न्स. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक. इंडिया की सिक्योरिटी बॉर्डर एरियाज में हमेशा इम्पॉर्टेंट है. लास्ट है इंडिया हैज़ अ राइटफुल क्लेम टू द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इंडिया काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए. आर्गुमेंट का क्वेश्चन मैंने एक भी फ्रेम नहीं किया है इंटरनेशनल रिलेशन पर. रिपोर्ट के दो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स और दूसरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. हालांकि सीपीईसी लास्ट ईयर भी इम्पॉर्टेंट था, इस साल भी इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं पूछा जाएगा या नहीं. सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूएनओ हर वर्ल्ड नेशन को टारगेट दिया हुआ है पॉवर्टी रिड्यूस करने का, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए टेम्परेचर रिड्यूस करने का, चिल्ड्रन में जो मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है उसको कम करने का, हंगर पॉवर्टी ये सब रिड्यूस करने का. तो ये सारे गोल्स हैं, हर वर्ल्ड नेशन को असाइन किया गया है और इन गोल्स को फुलफिल करना है. और इसकी रिपोर्ट आई है इस बार 2019 में, इसी की वजह से ये रिपोर्ट का टॉपिक बन सकता है. ओके okay?